जय महाकाल महाराज। महाराज राम मंदिर मुद्दे पर लेकर दो दिवसीय संतों का महासम्मेलन होने वाला और इसमें आशंका जताई जा रही है कि राम मंदिर मुद्दे, नमामि गंगे और कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर कुछ ऐलान करने वाले हैं, तो इस पर आपकी क्या? यह बहुत ऐतिहासिक कदम है संतों का और मैं आशा करता हूँ संत समाज से, अखाड़ा परिषद से, कि यह जो निर्णय पूरे संत समाज की ओर से होने जा रहा है, यह देश का गौरव बढ़ाएगा और राम मंदिर निर्माण की भूमिका तय करेगा। यद्यपि यह मामला न्यायालय में है, लेकिन संत समाज भी इस देश का शुभचिंतक रहा है। अनादिकाल से संतों की बड़ी भूमिका देश को बचाने में रही है। जब जब भी देश पर आपत्ति आई है तो संत समाज सामने आया है। हमें लगता है कि पूरे देश के संत राम मंदिर निर्माण के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। और नमामि गंगे से लेकर के चाहे गोहत्या हो, वंदे मातरम हो, जितने भी राष्ट्रीय संकल्प है उनके सब के साथ पूरा संत समाज खड़ा है और सबकी एकमात्र इच्छा है शीघ्र ही राम मंदिर का निर्माण हो। यह मैं अपेक्षा करता हूँ संत समाज से, विशेषतः सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि वह तत्काल राम मंदिर बनाने के लिए विधानसभा में नहीं, लोकसभा में कानून बना करके, राज्यसभा में कानून बना करके राम मंदिर बनाने का संकल्प पूरा कराएं, क्योंकि राम मंदिर बनाने को लेकर के ही भाजपा की सरकार आई हुई है और उसके कार्यकाल पूरा होने वाले हैं। ये संत समाज यह कहना चाहता है कि राम मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार का अब विलंब करना ठीक नहीं है, कि तत्काल राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसी संकल्प को लेकर के संतों का यह संकल्प दिल्ली में एक बैठक के रूप में, एक आंदोलन के रूप में शुरू होने जा रहा है। इससे आशा है कि शीघ्र ही राम मंदिर बनेगा और भारत का गौरव बढ़ेगा, यह मेरी पूरे निष्ठा के साथ अपेक्षा भी है और विश्वास भी। जी महाराज, जय श्री राम।